यस स्टूडेंट्स, ये हमारी क्लास टू है चैप्टर वन रियल नंबर्स के लिए। हमने पहले वाली क्लास में सिर्फ और सिर्फ यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसका स्टेटमेंट, उसमें जो रिलेशंस हैं वो, और उस पर एच सी एफ निकालना सीखा था। एक्सरसाइज 1.1 से एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन नंबर 1 और। अब उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत अच्छे हैं। जैसा ये हमारे पास, हमने आपको पहले ही बताया था कि मैंने चैप्टर वन को 13 क्लासेस में डिवाइड किया, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड हैं, और ये आपके चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ एग्जांपल 2, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म 2q 2q+1, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स 4q+1 4q+3, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म 6q+1 6q+3 6q+5। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं जिनके प्रूफ मांगता है, और इसमें दो क्वेश्चन और हैं जो लास्ट में मैं आपको कराऊंगा, तो ये हम आज करेंगे। तो हमारे पास जब ये क्वेश्चन देता है तो इसका क्या मतलब होता है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको उसी से सारा समझ में आ जाए। जैसा मैं ये एग्जांपल तो दो हमारे पास है ही एनसीईआरटी में, आपको सॉल्व भी मिल जाएंगे। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है, इसी से आपको सारा हम बताने की कोशिश करेंगे। उम्मीद ये है कि एक ही क्लास में, छोटी सी क्लास हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का, चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 6q+3 और 6q+5। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप सब बच्चे अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ चुके हैं, हम क्या कहते हैं कि भाई हमारे पास सपोज करो एक इंटीजर है, लेट देयर इज ए पॉजिटिव इंटीजर ए। अब यहां आपके पास ध्यान रखना है, क्वेश्चन के हिसाब से आपसे कभी कहेगा पॉजिटिव इंटीजर, कभी आपसे कहेगा ऑड इंटीजर, कभी आपसे कहेगा इवन इंटीजर। तो अगर आपसे पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है तो पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करना है, इवन कह रहा है तो इवन कंसीडर करना है, ऑड कह रहा है तो ऑड करना है। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑड कह रहा है तो हम यहाँ पे यही कंसीडर कर लेते हैं, देयर इज ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर ए। ठीक है, एंड यहां पे हम ले लेते हैं एंड b is equals to जो भी आपके पास क्वेश्चन में, जैसे यहाँ 6 यूज हो रहा है, अगर आप चेक करें, अगर मैं आपको दूसरे एग्जांपल में दिखाऊं यहाँ 4 यूज हो रहा है, अगर दूसरे क्वेश्चन में दिखाऊं यहाँ 2 यूज हो रहा है, तो जो भी आपके पास नंबर यूज हो उसको आप b ले लीजिए, एंड b is equals to 6। बस इतना सही करना, उससे आगे क्वेश्चन अपने आप फ्लो में आ जाएगा। लेट देयर इज ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर ए एंड बी इज इक्वल्स टू 6। तो अगर आपके पास दो नंबर आ गए ए एंड बी, तो आप क्या कहेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इज इक्वल्स टू 6q+r where r is more than equals to 0 less than 6, q and r are integers। ये हमारे पास हो गया, बस इतना सही। अब क्योंकि आपने कहा है कि r integer है और वो 0 से तो बड़ा है और 6 से छोटा है, तो आप कह सकते हो R is equals to 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 से equal या बड़ा और 6 से छोटा, तो कहां तक आप लेंगे, 5 तक, बस खत्म। अब ये जो R की वैल्यू आपने पास आई है, इनको यहां रख दीजिए, R की वैल्यू, ये R की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो इफ R is equals to 0,
ए इज इक्वल्स टू 6q, ये जीरो हो गया. इफ आर इज इक्वल्स टू 1, ए इज इक्वल्स टू 6q+1. इफ आर इज इक्वल्स टू 2, ए इज इक्वल्स टू 6q+2. If R is equals to 3, A is equals to 6q+3. If R is equals to 4, A is equals to 6q+4. If R is equals to 5, A is equals to 6q+5. ये हमें लिखना है. हमने कुछ नहीं स्टार्ट किया. देखो अगर आप देखेंगे, ज्यादा जोर नहीं डाले हैं. आपने एक इंटीजर ले, जो भी वो कह रहा है, अगर वो कह रहा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो ऑड इंटीजर लेना है, इवन है तो इवन लेना है, सिर्फ इंटीजर है तो इंटीजर लिखना है. तो आपने ले लिया लेट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए, और बी क्या लेना है जो उस नंबर क्वेश्चन में यूज हो रहा है. नंबर बी इज इक्वल टू 6, तो अगर आपके पास ए और बी है तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 6q+r. आर क्या होता है, जीरो, जीरो से बड़ा और बी से छोटा. बस ये हमारे पास हो गया a इज इक्वल्स टू 6q+r. लेकिन हमने r कहा कि r 0 से 6 तक है, छोटा मतलब 5 तक है, इसकी वैल्यूज रखते हैं. अब यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि भाई अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 हमारा है इवन, और इवन नंबर से अगर आप किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो वो इवन हो जाएगा, चाहे क्यू कुछ भी हो. तो इसका मतलब ये हमारा हो गया इवन. अच्छा, अब आपके पास क्योंकि कंटिन्यूअस नंबर है 6q, 6q+1, +2, +3, +4, +5 कंटिन्यूअस है, तो क्या होगा, एक इवन होगा, दूसरा ऑड हो जाए. फिर आपके पास इवन आ जाएगा 6q+2, फिर आपके पास ऑड आ जाएगा, फिर इवन आ जाएगा, फिर ऑड आ जाएगा. तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि भाई 6q तो इवन है, 6q+2 इवन है, 6q+4 इवन है. तो ऑड क्या बचा, 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5. ये लिख दीजिए आप. हमने क्या कहा था कि हमने कहा था a इज एन ऑड इंटीजर, तो a जो है ऑड इंटीजर, सो इट कैन नॉट बी 6q, नहीं हो सकता 6q+2, नहीं हो सकता 6q+4, नहीं हो सकता. Hence, any odd positive integer is of the form 6q+1, 6q+3, 6q+5. That's it. ये हमारे पास क्वेश्चन था. चलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ और फिर आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर सकते हैं. आपको अगर आप थोड़ा सा भी सोचेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी पिक्चर का. अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं. जैसे हमारे पास क्या कह रहा है, शो दैट, प्लीज आप सब बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको अच्छा लगेगा. शो दैट एनी पॉजिटिव, मैं इस ऑड को हटा दे रहा हूं और इसकी जगह मैं लिख दे रहा हूं इवन. शो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, यहां मैं लिख दे रहा हूं 6q+2, यहां मैं लिख दे रहा हूं 6q+4, ठीक है, और पहला हम ले लेते हैं 6q, तो 6q, 6q+2 एंड 6q+4, और इसको मैं हटा देता हूं. Show that any positive even integer is of the form 6q, 6q+2 or 6q+4, where q is some integer. ये हमसे कह रहा है. तो अब आप यहाँ कहाँ से start करेंगे? Let there is a positive even integer. कुछ नहीं change होना, देखते जाइए कितना हम change करेंगे. तो अब इस बार हमने even ले लिया और b को अभी भी हमने क्या लिया है 6, क्योंकि यहाँ नंबर 6 यूज हो रहा है, तो b को हमने 6 ले लिया. अगर a और b हैं तो यूक्लिड डिवीजन लेमा आएगा, a इज इक्वल्स टू 6q+r. देखिए कोई चेंज नहीं हो रहा. q आर इंटीजर्स वेयर r इज लेस देन मोर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 6, तो r हो गया 0 टू 5,
अगेन आप आर को यही सारी वैल्यूज लिखोगे, लेकिन आपने जो क्वेश्चन लिया है इस बार क्या लिया है, इस बार आपने लिया है इवन इंटीजर, ए जो है हमारा इवन इंटीजर, तो आप कहां से स्टार्ट करोगे, ए इज एन इवन इंटीजर। अगर ये इवन है तो फिर क्या क्या नहीं हो सकता, 6q+1 नहीं हो सकता, 6q+3 नहीं हो सकता और 6q+5 नहीं हो सकता, तो आप लिखेंगे इट कैन नॉट बी 6q+1, 6q+3 और 6q+5। तो बचा क्या, बचा क्या 6q+2 एंड 6q+4, हेंस एनी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q, 6q+2, 6q+4। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, मेरी कोशिश है कि आपको सब्जेक्ट समझ में आए, मैथ समझ में आए, उसको आप अप्लाई करें और फिर इंशाल्लाह आप लोग फुल मार्क्स लेके आए, 100 मार्क्स भी आए और नॉलेज भी 100% आए, तो ये हमारी कोशिश रहेगी। तो कोशिश करिए, सीखिए और अगर आपको समझ में आए, ये फ्री क्लासेस रहेंगी पूरे साल, पूरे सेशन इंशाल्लाह आपको इस पे मिलता रहेगा। अभी ऐप आ रहा है, सो ऐप के ऊपर भी हम इंशाल्लाह आपको देंगे फ्री में पूरा कोर्स कंप्लीट, तो उसे आप कहीं पे भी बैठ के देख सकते होंगे। और ये जो PDF बन रही है ये भी हम आपको देंगे और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देंगे आपको, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, अच्छा होगा, तो हिम्मत बनती है, हौसला बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।